नमस्कार, मैं कविता उनियाल, आप देख रहे हैं मीडिया टुडे टीवी। हिंदू संगठनों ने एक बार फिर से नूह में 28 अगस्त को यात्रा निकालने की बात कही थी। माहौल को देखते हुए सरकार ने इस यात्रा को निकालने की परमिशन नहीं दी है। प्रशासन ने जिले में धारा 144 लगा दी है। नूह जाने वाले रास्ते पर पुलिस ने बैरिकेड लगाकर सुरक्षा बढ़ा दी है। आने जाने वालों की सख्त चेकिंग की जा रही है। उसके बावजूद विश्व हिंदू परिषद ने नल्लड़ मंदिर में जल अभिषेक करने की बात कही है। उधर किसान नेता राकेश टिकैत ने हिंदूवादी संगठनों के खिलाफ मेवात पहुंचकर टाल ठोक दी है। राकेश टिकैत ने मेवात में किसान पंचायत को संबोधित करते हुए कहा है कि अगर नूह में ये यात्रा निकाली जाएगी तो हम भी इसके जवाब में ट्रैक्टर रैली निकालेंगे। कल 28 अगस्त है, ऐसे में कयास लगाए जा रहे हैं कि कल नूह में क्या होगा। पूरा मामला मैं आपको विस्तार से बताऊंगी। हरियाणा के नूह में प्रशासन ने 28 अगस्त को होने वाली ब्रजमंडल यात्रा की अनुमति नहीं दी। उसके बावजूद हिंदूवादी संगठनों की तरफ से ऐसा करने की बात कही जा रही है। विश्व हिंदू परिषद के नेता सुरेंद्र जैन से जब यात्रा की परमिशन के बारे में पूछा गया, तब उन्होंने कहा कि धार्मिक यात्रा के लिए परमिशन नहीं ली जाती, सिर्फ सूचना दी जाती है। जिसे देखते हुए हरियाणा सरकार ने जिले में इंटरनेट सेवा बंद करने के साथ साथ धारा 144 भी लगा दी है। नूह जाने वाले रास्ते पर सुरक्षा कर्मियों का कड़ा पहरा है। पुलिस द्वारा चेकिंग अभियान भी चलाए जा रहे हैं। उधर मेवात पंचायत में किसान नेता राकेश टिकैत ने हिंदूवादी संगठन और सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। उन्होंने कहा है कि अगर 28 अगस्त को नूह में यात्रा निकलेगी तो हम इसके जवाब में ट्रैक्टर रैली निकालेंगे। राकेश टिकैत ने कहा है कि भाजपा अपना चुनावी एजेंडा तय कर रही है। कोई भी यात्रा निकली तो वहां पे पंचायत होगी और ट्रैक्टर यात्रा होगी। मैं जो सोशल मीडिया पे जो लोग बकवास करते थे हमको कि आपके ट्रैक्टर कहाँ है, आज बता देना चाहते हैं इस मेवात की धरती से ट्रैक्टर भी हमारे यहीं है। वे 4 लाख ट्रैक्टर भी यहीं है और 25 लाख आदमी भी यहीं है। वे चलेंगे इसी मेवात की धरती पर चलेंगे वे 25 लाख ट्रैक्टर भी। लेकिन अगर 28 तारीख की उनकी यात्रा होगी तो हम लोग पंचायत की घोषणा करेंगे, ट्रैक्टर मार्च वहां पर निकलेगा। आप शांति बनाए रखें, अपने बच्चों को पढ़ाई पर लगाओ। ये सरकार झगड़ा करवाना चाहती है, ये नहीं कि अकेले नागपुरिया हिंदू ही है, जो नौरंगिया है वो हिंदू ही है, जो अतुल प्रधान बट्टा हुआ है ये नौरंगिया मुसलमानों का हराया हुआ है। मेरठ के अंदर नौरंगिया मुसलमान भी हैं देश में। हमारे पास में भी बहुत फोन आते थे कि आपके ट्रैक्टर कहां गए, आप मेवात नहीं आ रहे, आप हिंदू नहीं हो। हमने कहा कि हम हिंदू हैं, हम भारतीय हिंदू हैं। देश में दो तरह के लोग हैं, ध्यान से सुन लेना। एक है नौरंगिया हिंदू जो एफिलिएटेड है नागपुर से, और एक है भारतीय हिंदू, हम भारतीय हिंदू हैं। इस देश में भारतीय मुसलमान भी हैं, इस देश में भारतीय सिख भी हैं। देश कहाँ मोदी सोया पड़ा है, इसको विदेशों की यात्रा पड़ी है। हालांकि मैं पहले बीजेपी से मैं शुरू तो था और बीजेपी से मेरे को छोटा सा पद भी दी था, ऐसा पद पहाड़ में गया जो हमारी बहन बेटियां, हमारा किसान कुशाल नहीं है। हम ऐसे पद को, हम ऐसे बीजेपी को क्या करेंगे। हमको ऐसा पद, हमको ऐसा बीजेपी का कोई संगठन नहीं चाहिए। इन्होंने मोनू मानेश्वर बिट्टू बजरंगी को कह के इन्होंने दंगे भड़काए। आपकी इस न्यूज पर क्या राय है मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। अब मैं आपको अगली खबर के साथ मिलूंगी। शुक्रिया।